यही हमारा पठन अभियान है 21/2/2022 की जो वर्कशीट है 29 क्रम संख्या 29 है, ये इसका क्वेश्चन आंसर्स है। आपकी मातृभाषा क्या है? अपने माता पिता या घर के सदस्य से पूछकर अपनी मातृभाषा में प्रचलित किन्हीं 5 शब्दों को लिखिए। मेरी मातृभाषा हिंदी है, ठीक है, आपकी कोई और भी हो सकती है, आप वो भी लिख सकते हो। हम और इसमें आपको 5 कोई भी मतलब अपने भाषा में जो भी 5 जो है वो प्रचलित करनी है, वो कोई भी आप कर सकते हैं। तो हमारी मातृभाषा में प्रचलित 5 शब्द आप कोई भी लिख सकते हो। मैंने हिंदी में लिखा है कक्षा विद्यार्थी कंघी दिन रात। आप आपकी भाषा में जैसे सीढ़ी को उर्दू में जीना कहते हैं वैसे ही आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, है ना। यहाँ है निम्नलिखित शब्दों को आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं, लिखा भी मैंने गलत है, बाद में कर लूँगी करेक्ट। जैसे दरवाजे को पंजाबी में बूहा कहते हैं, बूहा। गुब्बारा गुब्बारा को हिंदी में गुब्बारे कहते हैं। पतंग को पतंगी कहते हैं। रजाई को रजाई, चटाई को चटाई, टोकरी को टोकरी, वैसे ही लिखना है आपको। और ये अब आपके भाषा में क्या कहते हैं वही लिखना है। आप अपने माता पिता या घर के सदस्यों की सहायता लेकर अपने मातृभाषा में प्रचलित किसी एक लोकगीत को तैयार कीजिए और उसे अपनी कक्षा में सुनाइए। तो बूंदिया रे सावन का मेरा झूलना, एक सुख देखा मैंने अम्मा के राज में, हाथों में गुड़िया रे साखियों का मेरा खेलना, नन्ही नन्ही बूंदिया रे एक सुख देखा मैंने भाभी के राज में, गठियों का मेरा घूमना, नन्ही नन्ही बूंदिया रे। ये लोकगीत है सावन का, आप अपना भी कर सकते हो, आप अपना भी कोई लिख सकते हो गूगल से ढूंढ के। तो ये थी आज की वर्कशीट, जब तक के लिए बाय बाय।